कटनी की, जहां पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर कटनी के दौरे पर है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने ऑडिटोरियम में प्रबुद्धजन सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां बहुत ही बेहतरीन है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कार्यकर्ताओं का ध्यान आकर्षण कर प्रतिक्रिया बराबर न मिलने पर कहा कि लगता है अब सब ऊब गए हैं, ऐसा लग रहा है कि प्रदेश की सरकार ज़्यादा लंबी चल गई है। ऐसा कहते अनुराग ठाकुर मंच से ठहाका लगाते हुए नजर आए। वहीं अनुराग ठाकुर ने नरेंद्र मोदी और शिवराज सरकार के योगदान को फिर से सरकार बनाने की वोट देने की अपील कर गए। ₹58,000 करोड़ हो गया है, जो आपका शिक्षा का बजट 2400 करोड़ था वो बढ़कर 38,000 करोड़ हो गया है, जो स्वास्थ्य बजट 600 करोड़ से कम था अब 16,000 करोड़ हो गया है मेरे भाई और बहनों। यही नहीं, कृषि विकास दर आपकी आधा परसेंट भी नहीं थी, आज 19% हो गई, देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की हो गई है। प्रदेश की विकास दर 4% थी, आज बढ़कर 16.5% हो गई। प्रति व्यक्ति आय 11,718 रुपए थी, आज बढ़कर 1,40,000 रुपया हो गई है। मैं आंकड़े पूरे हैं, मैं सुना भी सकता हूं, बोलूंगा नहीं, केवल इतना कहूंगा कि केवल अपने बारे में सोचिए, थोड़ा सेल्फिश हो जाइए, मैं कहता हूं मेरे बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने परिवार अपने बच्चों के बारे में सोचो। जब अपने बारे में सोचोगे अपने प्रदेश के बारे में स्वयं अंदर आ जाएगा। मैं जब क्रिकेट खेलता था मैं अपने खिलाड़ियों को भी कहता था तुम अपना रन बनाओ, मेरी टीम के स्कोर अपने आप बन जाएंगे, जब मैं कप्तान था पंजाब का और उत्तर भारत का, और हम सदा चैंपियन रहे, हर खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ देता था। तो आप भी अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने इलाके के बारे में। पिछले 3 सालों में कोई भी दाम हमने खादों का नहीं बढ़ने दिया, जबकि दुनिया भर में 3 गुना ज़्यादा खाद के दाम बढ़ गए थे, हमने कोई खाद का दाम नहीं बढ़ने दिया और आगे भी नहीं बढ़ने देंगे। हमने किसानों को उल्टा जो MSP के दाम है 70% 80% तक बढ़ा कर दिए, से ज़्यादा की, और PM किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपया किसान के खाते में मोदी सरकार डालती है और 6,000 रुपया हमारी मध्य प्रदेश की सरकार।